राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर आज महाबंद का ऐलान किया गया था। डॉक्टर्स की तरफ से ठेला रैली जो है इस वक्त जारी है। निजी डॉक्टर्स के समर्थन में सेवारत और मेडिकल टीचर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो भी उतर गए हैं। प्रदेश भर में 14,000 से ज्यादा सेवारत चिकित्सकों की संख्या है, जबकि 1500 से ज्यादा मेडिकल टीचर्स की संख्या। प्रदेश में 4,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स भी पिछले 11 दिन से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। सेवारत चिकित्सक, मेडिकल टीचर्स और रेजिडेंट्स भी जे में पहुंचे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा को यहां श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर गतिरोध जारी है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो रार है वो आज भी जारी है। आज सड़कों पर डॉक्टर्स अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर ठेला रैली निकाली जा रही है। कोई डॉक्टर जूस बेचता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई डॉक्टर अलग अलग तरीके के गन्ने के जूस, कोई मोबाइल्स के जो कवर होते हैं वो बेच रहे हैं, जो बाइक की चाबी होती है उसकी जो कीज होती है, छल्ले जो होते हैं वो बेचते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर्स हैं जो जूस यहाँ पे बेच रहे हैं। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और विरोध का एक अपना एक अनोखा तरीका है, अलग तरीका है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ठेलों पर मोबाइल की जो एसेसरीज होती हैं वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज एक अनोखा जो प्रदर्शन है वो JLN मार्ग पे किया जा रहा है। कुछ और आगे की तस्वीरें भी हैं, आप देखेंगे कि आगे ई रिक्शा में बैठ के जो डॉक्टर्स हैं वो ई रिक्शा भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ गन्ने का जूस बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, इस ठेले पर आप देखेंगे गन्ने का जूस जो है वो डॉक्टर्स बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखिए आखिर क्या कारण पड़ गया, ऐसा क्या कारण पड़ गया, ऐसी क्या आपत्ति आ गई, ठेले लगाने पड़ रहे हैं आपको। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने जो ये राइट टू हेल्थ बिल लाया है, उसी प्रकार से अब तो डॉक्टर छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि एक तरह से ये बंदूक की नोक पर हमसे काम करवाया जाएगा, तो ये काम पॉसिबल नहीं है इस समय। तो इसी समय व्यवसाय बदलने का समय आ गया है। क्या जरूरत पड़ गई ठेला लगाने की? साहब, सरकार की जैसी चाह है, जनता जैसे फ्री में चाह रही है, तो अब काम करके क्या मतलब है साहब? आपको तो खाने का अधिकार है, ये भी फ्री ना कर दे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये विरोध का एक अनोखा तरीका है, जिसमें डॉक्टर्स ने आज यहाँ पे एक ठेला रैली निकाली है और अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात को विरोध के तौर पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एक ई रिक्शा की रैली भी दिखाई दे रही है और JLN मार्ग पे अलग अलग तरीके के अलग अलग जो ठेले हैं वो डॉक्टर्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बिल के विरोध में। सहयोगी देव प्रकाश के साथ में आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल पर चिंता जाहिर की है। खाचरियावास ने कहा कि डॉक्टर्स की हड़ताल का लंबा खींचना राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि डॉक्टर्स भी परिवार का ही हिस्सा हैं और उनसे कोई टकराहट नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे बात की जाए। प्रताप सिंह ने कहा कि अगर समाधान के लिए उन्हें डॉक्टर्स, मुख्यमंत्री या चिकित्सा मंत्री के आगे हाथ जोड़ने पड़े तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। खाचरियावास ने कहा कि उनकी राय में सीएम से डॉक्टर्स की सीधी बात होगी तो मामला जल्द ही निपट जाएगा। डॉक्टर्स तो मेरे दोस्त हैं, सारे परिवार के लोग हैं। डॉक्टर्स में आगे बढ़कर मुझे जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ोगे तो डॉक्टर्स के बीच में चला जाओ, मुझे क्या दिक्कत है? डॉक्टर आपसे दूर तोड़ना है। डॉक्टर्स का मामला भी अब तो हालत ही हो गई है, मरीज को बचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में सरकार को चार कदम पीछे हटाने पड़ेंगे या बातचीत करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन समस्या का समाधान हम करें। हम घमंड करने के लिए नहीं, नेता जनसेवक होता है जो हाथ जोड़ के बात करें, धमकी देकर बात नहीं करेंगे। धमकी देकर बात थोड़ी ना करेंगे। आंदोलनकारी धमकी दे सकता है, सरकार को भी धमकी नहीं दे सकता।